नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें, और हमारा फेसबुक पेज ड्रीम सक्सेसर को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज समाचार आया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसको कि पहले राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड कहा जाता था, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है। जी हाँ, चलिए पढ़ लेते हैं क्या कह रही है वो विज्ञप्ति। दिनांक 5/12/2018 को आपका RSSB, जो पहले RSMSSB था, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है, वो नोटिफिकेशन जारी किया है। ये कह रहे हैं, राजस्थान महिला अधिकारिता राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2017 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग के लिए सुपरवाइजर महिला अधिकारिता के कुल 180, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 58 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 22 पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 4/2018 दिनांक 13/3/2018 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1566 दिनांक 9/5/2018 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। जी हाँ, ये देख लीजिए, 180 आपकी गैर अनुसूचित टोटल विज्ञप्ति थी महिला अधिकारिता के लिए, और अनुसूचित के लिए 158, गैर अनुसूचित के लिए 158 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 22 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसको कि री नोटिफाइड किया गया क्रमांक नंबर 1566 से, और 9 मई को ये दोबारा ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। अब उसके बाद उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा है, उक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 6/1/2019 रविवार को 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मध्य सीधी भर्ती का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, सीधी भर्ती हो रही है आपकी जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, जिसकी कि उन्होंने विज्ञप्ति पहले मंगा रखी है। इस परीक्षा के आप प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से rsmssb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसमें आपको तिथि बाबत अलग से सूचित कर दिया जाएगा, यानी दिनांक किस हिसाब से है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना आप। परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं, अतः परीक्षा में नकल प्रतिरूपण कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झांसे बहकावे में नहीं आए। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। नकल एवं प्रतिरूपण के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने, आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका करियर समाप्त हो सकता है। तो ऐसा तो बिल्कुल ना करें, अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर विश्वास रखें। अगर अभी तक आपने तैयारी भी नहीं की है तो भी नकल वाले इन दूसरे रास्तों पर चलना ही नहीं है। तो आपकी मैं इसको वेबसाइट बता देता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर विज्ञप्ति प्रकाशित थी, वहां से आप अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारियों में जुट जाएं। अभी तकरीबन आपके पास एक महीने के करीब पड़ा है, तो परीक्षा की तैयारियों में जोर शोर से लग जाएं। उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी अग्रणी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक जो कर रहे हैं इसकी अभी से तैयारी, भगवान करे आप सभी जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएं। आपका दिन शुभ हो।